हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल ड्रीम थाउजेंड राइड्स में। जैसा कि आज संडे है और फिलहाल हम लोग खड़े हैं यहाँ रिलायंस मोटर्स के शोरूम में। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई राइड के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए। मतलब कि आप बाइकें यहाँ पे देख सकते हैं भाई, कितनी सारी इकट्ठी हो चुकी हैं। ये खड़ी है अपनी स्क्रैम, ये अपना नीतीश भाई खड़ा और ये हमारे कपिल भैया खड़े हैं जो कि अपनी गॉगल सेट कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, आज की राइड कुछ इस तरह की होने वाली है कि आज हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने बजालता वाली साइड। कोई वेन्यू डिसाइड किया है इन्होंने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे बाइकर्स भाई रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। बस अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, निकल चुके हैं हम लोग अपनी राइड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप में एक नई स्क्रैम आ चुकी है भाई। कपिल भैया ने हमारे नई स्क्रैम ली है अभी लास्ट वीक में ही। तो ये बाइक की पहली राइड है भाई। आप देख सकते हैं बाइक कितनी मस्त दिख रही है एकदम से। तो मैंने अपनी बाइक भाई आज तक राइड की है, कभी उसको देखा नहीं किसी को राइड करते। तो आज बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो देख सकते हैं नीतीश भाई अपनी एक्सपल्स लेके आया भाई। आज भाई चल रहा है आगे आगे, पीछे कपिल भैया और कपिल भैया के पीछे चल रहा है आपका भाई। और ये हमारे साथ में चल रही है भाई एक और हिमालयन। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है भाई आज राइड करने का। देख सकते हैं कपिल भैया कैसे बटो बट जा रहे हैं भाई। सो दोस्तों, ये जो थैला पड़ा है भाई, इसमें हमारे पड़े हैं लेग गार्ड, क्योंकि बैग आज मैं अपना लाया नहीं। गर्मी बहुत थी भाई, तो बैग कहाँ कैरी कर करके घूमते, इसलिए लेग गार्ड लिफाफे में ही ले आया। तो ये देख सकते हैं कपिल भैया भाई सैडलिंग का मज़ा ले रहे हैं पूरा पूरा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी की रोड प्रेजेंस कितनी ही खतरनाक है। मतलब भैया का पोस्चर देखो, सैडलिंग करते कितने ही खतरनाक पोस्चर आ रहा है, एकदम कंफर्ट में है भैया। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ आज एक R15 भी है ब्लू कलर में भाई, बहुत ही खतरनाक लुक आ रही है गाड़ी की। आप देख सकते हैं जैसा कि मतलब आज राइड पर बहुत सारी गाड़ियाँ रॉयल इनफील्ड के साथ साथ हमारे साथ कुछ और गाड़ियाँ भी हैं, कुछ और राइडर्स भी आए हैं जो कि रॉयल इनफील्ड ओन नहीं करते लेकिन हमारे साथ राइड पर आए हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा भाई आज राइड करने। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग कुछ इस तरह की जगह पे खड़े हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी बाइकें हैं। एक्चुअली कुछ बाइकर्स हमारे पीछे रह चुके हैं तो उनका वेट हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लड़के मूड में, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पर। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर फाटक में। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने से निकल रही है ट्रेन, जो कि शायद हमसे पहले ही अपनी राइड पर निकल चुकी थी। तो ठीक है भाई, वेट करते हैं ट्रेन के जाने का और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों GoPro का मेमोरी कार्ड फुल हो चुका था जो कि मैंने चेंज किया, तो भाई ये कार्ड शायद से सपोर्ट नहीं कर रहा। 12-15 सेकंड के बाद ये खुद ही GoPro अपने आप बंद होते जा रहा है। बहुत ही मन दुखी हो रहा है भाई आज। ठीक है भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी लोकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मोटरसाइकिल का आज भंडारा लगा हुआ, मतलब इतनी सारी बाइक्स हैं यहाँ पे। देख के दिल इतना खुश हो रहा है कि मतलब आप देख सकते हैं खुद ही इतनी सारी बाइक्स हैं। खैर चलते हैं अंदर की तरफ। तो वैसे भी मन दुखी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि GoPro आज हमारा नहीं काम कर रहा है भाई मेमोरी कार्ड की वजह से। तो फ़ोन में ब्लॉग शूट करना पड़ेगा। तो फ़ोन में एक्चुअली हुआ गया था, एक बार हम पूल में नहाने गए थे तो फ़ोन है वाटरप्रूफ लेकिन वहाँ पर गिरा तो पता नहीं कैसे इसमें पानी चला गया। तो भाई कैमरा तब से मतलब कुछ ऐसा इशू आता कि कभी कभी काले धब्बे आते हैं। खैर इसी में करेंगे शूट आज। तो कपिल भैया तैयार हो फिर, भैया ने स्क्रैम ली है नहीं और आज हम आए हैं ऑफ रोडिंग पे। तो भैया अब देख लो कितने एक्साइटेड है। हाय रथिन ब्लॉग्स, रथिन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो यार। भैया डालते ही नहीं कुछ तो सपोर्ट क्या करना है किसी ने। बस आप मेरे को रील्स दे देना जो बनाई है ना, बस ये दे दो भाई को, ये दे दो भाई को। वेलकम यू ऑल फॉर द हिमालयन एक्सपीरियंशियल डे। आज का हमारा मोटिव है कि आप लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाए इस पर्टिकुलर मशीन के लिए, कि ये मशीन क्या करने में कैपेबल है। इन्होंने आपके लिए स्पेशली वी हैव डिजाइनर ट्रैक ओवर देयर, आप सब लोगों ने आई गेस उसको नोटिस किया होगा। सो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे, एक वॉक लेंगे, एक ड्राई वॉक लेंगे उस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर। दाग मुंह पर साड़े नहीं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आए थे ऑफ रोडिंग के लिए। तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे ऑफ रोडिंग की तरफ। सुबह से निकले हैं घर से तो अभी तक ऑफ रोडिंग का कोई पता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल एक छोटा सा जायजा लेंगे, थोड़ा सा मुआयना करेंगे। मैं और कपिल भैया जा रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं किस तरह का ये ट्रैक रहने वाला आज का हमारा, जिसपे हम ऑफ रोडिंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का ट्रैक है यहाँ पे, पता नहीं किसी के गोडे टूटेंगे या नहीं टूटेंगे यार।
तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का ट्रैक है, मतलब तब से हम चल रहे हैं, कोई आधा पौना किलोमीटर हमने चल दिया, कोई एक किलोमीटर का लगभग ये ट्रैक है, तो बस थोड़ा ही अब रह गया। तो ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर सा इन्होंने बनाया, जो कि इतना बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है भाई, स्पीड ब्रेकर तो इन्होंने बनाया। यहाँ पे पीछे थोड़ा सा पानी फेंक के मिट्टी गिली करके रखी है, तो मिट्टी यहाँ पे बड़ी लूज रखी है ताकि बाइक यहाँ से निकलने में थोड़ा स्ट्रगल करे, आराम से यहाँ से ना निकले। ठीक है भाई, चलते चलते हम लोग पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे। तो ये यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा सा इन्होंने बना के रखा, तो यहाँ पे होगा मेन फन मुझे लग रहा है, यहाँ पे ही जो होगा यहीं पे होगा भाई आज। तो ये गड्ढा आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा गड्ढा है यहाँ पे इन्होंने बनाया, पानी से भरा हुआ है। तो मिट्टी के हालात भाई यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, मतलब ठीक ठाक तरीके से गिली करके रखी है ये जगह यहाँ पे इन्होंने। तो ये देखो भाई नीतीश यहाँ से निकलने वाला है अभी, तो मुझे लग रहा है ये गिरेगा यहाँ पे। तो ये देखो भाई का पूरा पैर भाई बीच में घुस गया। तो खैर बाइकों की क्या हालात होगी जब 200 किलो की बाइक इसके ऊपर से निकलेगी भाई। खैर जब तक अपनी बारी नहीं आएगी भाई, हम भी यहीं पे बैठ के फन करें। तो ठीक है दोस्तों, फॉर्म वगैरह हमने पहले ही अपना भर दिया था, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लग गार्ड वगैरह बांध रहे हैं राइडर्स अपने अपने, क्योंकि राइड अपनी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे इवेंट हो चुका है अपना शुरू। तो चलते हैं वहीं पे जहाँ पे डेरा डालने का हमने आपको बोला था, जहाँ पे वो बड़ा सा गड्ढा और बहुत ज़्यादा फन होने वाला है भाई। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि गड्ढे के पास तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और पहली बाइक भी भाई यहाँ से निकल गई है, जो कि बड़े ही आराम से निकली है, मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जितना हमने सोचा था। खैर ये तो अभी पहली बाइक थी, तो ठीक है अब आ रही है दूसरी बाइक, देखते हैं ये कितने आराम से निकल पाती है यहाँ से। तो भाई ये भी बड़े ही आराम से निकली है, यहाँ पे इतना मसला नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, जैसा कि देख सकते हैं सीन कितना ही खतरनाक हो रहा है। यहाँ पे अंकल ने 3-4 बाल्टियाँ पहले फेंकी थी, जो अभी एक बाल्टी और फेंक दी है यहाँ पे, ये भर के डब्बा सा। तो आप देख सकते हैं जो हालात पहले थे और अभी ये हालात हैं। तो अब आएगी तीसरी बाइक और पता नहीं भाई का क्या हालत होने वाली है भाई। जान दो जाने दो, जाने दो, जान दो। जाने दो आराम से, गई 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 जा रही है। जाएगी जाएगी, जाएगी। पिछले टायर पे आओ, पिछले टायर पे खुद, पीछे वाले टायर पे वजन डालो ना, खुद पीछे बैठो, पीछे टायर पे वजन जाएगा। आराम से आराम से, तो भाई एक बाइक और आ गई है यहाँ से। एक आ गई यहाँ पर, तो खींचनी ही पड़ेगी भाई, धुएं निकल चुके हैं बाइक के। खतरनाक सीन हो गया यहाँ पे, तो ये भाई ये आ गई यहाँ पे स्पोर्ट से, बाइक को थोड़ा स्लैंसर बनी चुकाएगी। तो भाई आराम से आराम से, तो भाई पीछे वाले को पूछ लो भाई, पीछे से भी आ रहा है। तो भाई ये भी फंसने वाली है शायद यहाँ पे, निकाल दी, निकल गई 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 गई, निकल गई है आराम से। भाई ये हालात सही नहीं है। ठीक है भाई, एक बाइक और जा रही है, देखते हैं इसका क्या सीन रहता है। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं कितना ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है भाई यहाँ पे, बाइक का कितना टायर बबल हो रहा है पिछला।
तो दोस्तों सीन बड़े ही खराब है भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है यहाँ पे बाइकों की, और इस गड्ढे के हालात आप देख सकते हैं कितने कीचड़ यहाँ पे भर चुका है। मतलब यहाँ से बाइक निकालना बहुत ही रिस्की हो चुका है भाई इस टाइम पे, लेकिन फिर भी सबका हौसला बुलंद है। आप देख सकते हैं भैया अभी भी पूरा जोर लगा रहे हैं बाहर निकालने के लिए, और भाई भी पूरी हेल्प कर रहे हैं भैया की। जैसे कि देख सकते हैं बाइक निकल चुकी है बाहर, रेस रेस बहुत सही। आराम से। सो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं सीन यहाँ पे कितने खतरनाक हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया, मतलब इस गड्ढे से बाइक निकालना। आप देख सकते हैं दूसरा तीसरा राइडर भाई यहाँ पे स्लिप कर रहा है, और अपनी बारी अभी आने वाली है, तो थोड़ी थोड़ी टेंशन भी हो रही है और थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ही खड्डे तभी हमने भी क्रॉस किए हैं, और ये खड्डे को देख के लग रहा है कि बड़े आराम से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी राइडर भी भाई कोई कम नहीं है, सारे बड़ी देर से मतलब हिमालयंस को राइड कर रहे हैं, तो सबको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्या देखते हैं जब अपनी बारी आती है तो क्या सीन है। तो ठीक है भाई, इस बाइक के बाद आपके भाई का नंबर आने वाला। तो भाई ये देखो, ये लास्ट बाइक भी भाई गिर गई। अब इसके बाद मतलब मैं क्या ही सोच रहा हूँगा, आप खुद ही सोचो कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बाइक लेके यहाँ पे। तो खैर आते हैं, अभी अपनी टर्न आती है, तो उसके बाद अभी आपका भाई आने वाला। पीछे तो ठीक है भाई, फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, खाना वाने का टाइम हो गया, अपना राइड तो हो गई है ख़त्म। तो ये बैठे अपने कपिल भैया, तो ये हम खाने के स्टॉल के पीछे ही बैठ गए भाई। यहाँ पे टेंट लगा था तो छांव थी, वहाँ पे कुछ लोग उस तरफ बैठे हैं, तो वहाँ पे ठीक ठाक धूप थी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे छांव में बैठे हैं, ये आ गया अपना नीतीश भाई और कपिल भैया भी खाना खा रहे हैं, और हम भी खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं भाई यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी मज़ा किया आज ऑफ रोडिंग का हम लोगों ने। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत सी बाइकें वहाँ से एकदम से क्रॉस हो गई और बहुत सी बाइक फंस भी गई। तो कुछ इस तरह का था अपना आज का ये ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये देखो हमारे सैम भैया R15 का बर्नआउट करते हुए चले।